पिछले वर्ष 9 अगस्त को शुरू हुई अगस्त क्रांति आज रीवा ही नहीं पूरे विंध्य प्रदेश में ज्वालामुखी बनकर धधक रही है। लोग अपने हक और अधिकार के लिए सामने आ रहे हैं। अगस्त क्रांति से जुड़ रहे हैं, यह एक वर्ष कितना जल्दी निकल गया पता ही नहीं चला। जब अगस्त क्रांति का निर्माण हुआ था उस समय टीम में केवल 9 लोग थे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, आप लोग जुड़ते गए और आज अगस्त क्रांति में हजारों हजार क्रांतिकारी साथी हैं। आप सब अगस्त क्रांति के क्रांतिकारी भाइयों से विनम्र आग्रह है कि धधकती हुई ज्वालामुखी को आप सबके साथ और सहयोग की जरूरत है। लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक उसका हक अधिकार पहुंचे, इसके लिए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यह कहना है अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का। मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं इस दौरान अगस्त क्रांति के संयोजक और पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने क्या कहा है। के अपन सही निकले बताए, तब बताए कि शादी में है, नहीं तो कहां के कुमारा प्यारी वाजपेयी कहीं थे कि हम कुमारा हैं, वह ब्रह्मचर्य नहीं है। भाई ब्रह्मचर्य बड़ी दिक्कत है, आज झूठ एक सांस में 72 झूठ बोल सका थे, इनका सांस ही नहीं। बताइए भैया, आज ये किस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत पुनीत और पावन दिन है। आज के ही दिन 9 अगस्त 1942 को हमारे राष्ट्रभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने और वो महान सपूतों ने संकल्प पारित किया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और जिसके सुखद परिणाम आए और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हम गुलामी की जंजीरों से जो जकड़े हुए हिंदुस्तानी थे आज़ाद हो गए और एक आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक बने। उसके बाद हमारे देश के आज़ाद नागरिकों के लिए संविधान बना, कानून बना और एक विचारधारा बनी कि हमारा खुशहाल गांव रहे, खुशहाल बेरोजगार रहे, खुशहाल युवा रहे, खुशहाल किसान रहे, और नियम बने कि रोजगार कैसे मिले और रोजगार मिले तो दाम कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, उस पर काम हुआ, कार्य योजना बनी। पर दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों के जाने के बाद उनके अनुयायी और उनके जो गुलाम थे वो देश में रह गए और उन गुलामों ने हमारे हक पे, हमारे अधिकार पे, हमारे विकास पे डाका डाला और एक दीमक की तरह कुतरते गए कुतरते गए। आज़ादी की हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से आज भी क्या जो अधिकार, जो कानून कमजोर को, गरीब को मिलने चाहिए थे मिल रहे हैं? और जिस तरह से आउटसोर्सिंग के नाम पे, प्राइवेट फैक्ट्रियों के नाम पे शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ रीवा की इस पवित्र पावन भूमि से, विवेकानंद पार्क से 9 अगस्त 2021 को एक मशाल जलाई गई है जिसका समर्थन, सहयोग और जिसकी आवाज़ को आप सभी ने, मीडिया के साथियों ने जन जन तक पहुंचाया, उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं और आप सब भी महसूस कर रहे हैं कि उस क्रांति की जरूरत क्यों है। अब जरूरत है कि जो मशाल जली है उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं, उससे आशाएँ जगी हैं लोगों को, आउटसोर्स कर्मचारियों की जो दशा थी और इस अगस्त क्रांति के आंदोलन के बाद जो सुधार हुआ उसको आप सब महसूस कर रहे हैं, वो हमारे जो आउटसोर्स भाई हैं उनका परिवार महसूस कर रहे हैं। पर अभी भी जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में हमारे भाई काम करते हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, दुर्घटना हो जाती है ना उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, ना उनके जीवन जाने के बाद उनके परिवार की व्यवस्था है। सोचिए किस तरह से वो घर चले जहाँ हर 10 तारीख को 10 हज़ार रुपये का इंतजार रहता है कि आए तो बच्चों की फीस